TVS Apache 160 RTR के पेट्रोल टैंक की रियल कैपेसिटी क्या है, इस बाइक के अंदर कितना पेट्रोल आता है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं, क्योंकि मेरी वीडियो के कमेंट के नीचे बहुत से लोगों ने यह कहा कि उन्होंने इस बाइक के अंदर 17 लीटर पेट्रोल भरवाया है और कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने इसके अंदर 15 लीटर पेट्रोल भरवाया है। तो आज मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ कि इस बाइक के अंदर कितना पेट्रोल आता है, और ये सारी चीजें मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख लें, इस जग को आप देख लें, इसमें नाप के मैं इस बाइक के अंदर पानी डालूंगा, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पेट्रोल टैंक बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप प्रूफ के तौर पर सबसे पहले आप ये देख लें कि इसके अंदर 1500 ml पानी आएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये 1200, 1300, 1400 और 1500 ml इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर 1500 ml पानी इसके अंदर आएगा। और ये हमने इसका ढक्कन भी खोल रखा है, ये आप देख लें, इसको भी हमने खोल दिया और फ्यूल मीटर को भी हमने खोल दिया और यहाँ पर रख दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब इसको हिला के दिखाओ, इसके अंदर कोई भी पेट्रोल नहीं है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी कहीं भी पेट्रोल नहीं है। फिर से हाँ देख लें आप, इसके अंदर कुछ भी लगा नहीं हुआ, अब हिला के दिखा दो, इसके अंदर कोई भी पेट्रोल नहीं है। और अब हम इसको वापस लगा लेते हैं जिससे इसके अंदर हम पानी भर सकें। थोड़ा जल्दी फिट करो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लोग देख सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें इतना पानी भरने के बाद फिर इसको सुखाना भी पड़ेगा, इस मेहनत के लिए आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन चीज़ों को आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसका पेट्रोल टी फिट कर ले रहे हैं, और वहाँ पर फ्यूल मीटर इसके अंदर फिट होगा, बस करो। ये इसके अंदर 4 बोल्ट लगते हैं, हम केवल इसके अंदर 2 बोल्ट ही लगा रहे हैं, जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं। अब ये देख लें, हमने इसके अंदर सारी चीज़ें फिट कर ली है और अब हम इसके अंदर पानी भरेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर 1500 ml आता है और जितनी बार ये डालेंगे उसी हिसाब से आप लोग जोड़िएगा। मैं दूर से आपको दिखा दे रहा हूँ जिससे ये ना लगे आपको इसमें कहीं कुछ भी गलत है। ये एक बार इसके अंदर पड़ चुका है, 12 लीटर हो चुका, दूसरी बार है ये 3 लीटर इसके अंदर हो चुका, साढ़े 4 लीटर इसके अंदर पड़ चुका है। और आपको ऊपर से दिखाई भी दे रहा होगा कि हमने इस जग के अंदर पानी फुल भरा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कम डाल रहे हैं। 4.5 लीटर इसके अंदर हो चुका है, अब की बार 6 लीटर हो जाएगा। अब की बार इसके अंदर 6 लीटर हो गया,
और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब की बार 7.5 लीटर हो गया। अब की बार इसके अंदर 9 लीटर हो जाएगा। नौ लीटर हो गया इसके अंदर और अब की बार 10.5 लीटर हो जाएगा। साढ़े 10 लीटर इसके अंदर पानी भरा जा चुका है। अब ये 12 लीटर इसके अंदर पेट्रोल हो गया है, पानी हो गया भाई, पेट्रोल नहीं। और आप देख लें इसके अंदर अभी काफ़ी जगह हो चुकी है, काफ़ी जगह अभी और बाकी है, हो नहीं चुकी है भाई। बारह लीटर हो गया है, अब की हो जाएगा ये 13.5 लीटर। आप देख लें यहाँ तक पानी इसमें भर चुका है, मैं आपको हिला के दिखा रहा हूँ। ये आप देख लें और भरो इसके अंदर। कितना हो गया राहुल? 13.5 लीटर इसके अंदर पानी आ चुका है और फिर से ये भरा जा रहा है। अब की हो जाएगा इसके अंदर 15 लीटर। आप देख लें 15 लीटर पानी इसके अंदर यहां तक आया है और यहीं तक भरवाना चाहिए। मैं आपको दिखा दूं, ये देख लें यहां तक आ चुका है, ये यहां तक मुंह तक आ चुका है, लेकिन यहां तक आप भर के दिखाओ और नाप के दिखाना। 15 हो गया ना। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंह तक पानी आ गया है एकदम। अब 16.5 लीटर हो गया इसके अंदर, ठीक है। और अब हम इस पत्थर को यहाँ पर लगा देते हैं और भरो मुंह तक एकदम। 16.5 लीटर इसके अंदर पानी आ चुका है,
अब आप देख लें मुंह तक एकदम पानी आ चुका है और कितना उसके अंदर बचा हुआ है, एकदम यहाँ मुंह तक पानी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितना पानी बचा हुआ है। 200 ml, आप ये देख लें 200 ml इसके अंदर पानी बचा हुआ है। आपको हो सकता है साफ ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको, धूप में रख के दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर 200 ml बचा हुआ, मतलब 1300 ml इसके अंदर पानी और पड़ गया। 16.5 लीटर वो हो गया और 13 ये 17 लीटर 800 ml इसके अंदर पानी आया हुआ है। मैंने आपको दिखा दिया, सारी चीज़ें जोड़ ली है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर कितना पानी आया हुआ है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमने आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दी, 17 लीटर 800 ml इसके अंदर पानी आएगा, आपने देख लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।